नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि किधर हवा और मैं हूँ किरण कौर फाहद और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोजाना की तरह ही हेयर केयर से जुड़ा हुआ वीडियो। इसमें हम बात करते हैं हेयर फॉल की, जो कि आप लोग बहुत त्रस्त हो रखे हो आजकल कि भाई हेयर फॉल हुआ जा रहा है, किसी के चार बाल भी निकल रहे तो उसको लग रहा है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। मैंने ऐसे बहुत 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 लोग देखे जिनको लग रहा है कि बस हमारे टी हो गया, हमें एलोपेशिया हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग जितना परेशान होगे ना उतनी ज्यादा आपको परेशानी और घेरती रहेगी कि पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ जा रहा है, ये क्यों हुआ जा रहा है। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो। अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर रूटीन है ना तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाओ। मैं नहीं कह रही आपको कि चलो आप नहीं करो एक्सरसाइज, मैं नहीं कह रही आपको कि आप कुछ खाओ पियो। मेरे कहे पे रोज का एक एक कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई मूवी या कोई बहुत ही कॉमेडी वाला सीरियल देख लो, मेरे कहे से 10 दिन देख लो और फिर मेरे को आके बताना कि वो जो डिप्रेशन है वो कम हुआ कि नहीं। और जिस दिन आपने अपना डिप्रेशन कम कर लिया उस दिन आप ठीक होने लग जाओगे, आपके बाल फिर से हेयर ग्रो करेंगे। ये जो दिमाग में यहाँ बैठ जाता है ना, आपने देखा आप जब छोटे होंगे तो आपकी मम्मी कितनी उनकी स्किन ग्लो करती होगी, उनके बाल कितने अच्छे होंगे और वो कितनी खूबसूरत लगती होंगी। लेकिन अब धीरे 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 करके आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनके चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, उनके बाल उतने हेल्दी नहीं हैं या वो अक्सर चिड़चिड़ी रहती हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मम्मियाँ जो है ना हमारे पूरे घर की टेंशन लेती हैं। आप कहोगे अपनी मम्मी टेंशन मत लो, लेकिन उनके दिमाग में यहाँ पे वो बैठा रहता है, तो वो एक दौर से गुजर रही होती हैं क्योंकि वो आपके घर को बना रही होती हैं। आपके पास अगर इतनी अभी जिम्मेदारी नहीं है तो आपको परेशान भी नहीं होना है। मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। एक तो सबसे पहली बात, उन लोगों से दूर हो जाइए जो कि आपको किसी भी तरीके से टीज करते हैं। सपोज अगर कोई आपको बोलता है कि अरे तू तो मतलब बाल लोती जा रही है या बाल लोता जा रहा है, हटा दो उन लोगों को अपनी जिंदगी से। क्योंकि जब आप अच्छा कर रहे होंगे ना तब वो आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करने आएंगे। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा तो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन नेगेटिव होते ही वो आपको पोक करने के लिए आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आनी है। और उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी, एनीथिंग। मैं आपको बहुत बड़ा टास्क नहीं दे रही हूँ, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ अच्छी मूवीज, अपनी लाइफ में कोई अच्छी किताब, अपनी लाइफ में कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री, कोई एक पकड़ लीजिए। लाइक अगर आपको प्रेमचंद को पढ़ना अच्छा लगता है तो आप प्रेमचंद जी को पढ़िए, महादेवी वर्मा जी को अच्छा लगता है तो उनको पढ़िए। अगर आपको आपको अच्छा लगता है कि आप धर्मवीर भारती जी को पढ़े तो आप उनको पढ़िए। जो भी मतलब आपके जो भी फेवरेट राइटर हो उनको पढ़िए। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स भी आ चुके हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो और फिल्मों के मामले में अगर हम करें तो आपको अगर इंडियन सिनेमा पसंद हो इंडियन सिनेमा देखिए, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कुछ भी, टॉलीवुड, टॉलीवुड है हमारा, पंजाब का सिनेमा है, बहुत अच्छे अच्छे सिनेमाज हैं। आप कोई भी एक पकड़ लो और लगातार सीरियल सीरीज से 10 दिन कम से कम कोई अच्छा कैरेक्टर, कार्टून, डॉक्यूमेंट्री, कोई ड्रामा, ये सब देखिए। जैसे मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सीरियल देखती हूँ, मुझे पाकिस्तानी सीरियल देखना बहुत पसंद है। अभी करेंटली मैं वॉच कर रही हूँ, मेरे 3 सीरियल हैं, एक तो जिबाइश या जिबाइश, और एक मैं देख रही हूँ तड़प, और एक मैं देख रही हूँ सबत, सबात या सबत, है ना। तो ये 3 मेरे सीरियल हैं और ऐसे मैं हमेशा देखती रहती हूँ। मतलब मुझे जब भी फ्री होकर टाइम मिलता है तो मैं 3-4 चीजें जरूर करती हूँ। एक तो मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सारे पुराने शो देखती हूँ, बिकॉज मैं सुनील ग्रोवर को बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं सारे फनी जो भी उनके वीडियोस हैं वो दोबारा रिपीट रिपीट भी देखती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब हंसने वाली चीजें अच्छी लगती हैं। इसके अलावा मैं रोडीज बहुत ज्यादा देखती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों देखने लगी हूँ रोडीज, पर मैं आजकल रोडीज बहुत बहुत ज्यादा देखने लगी हूँ। पुराने पुराने शो भी मैं आजकल खंगालने लगी हूँ। तो आपको खुश रहना है, ठीक है। खुश रहने के लिए जो भी तरकीब आप अपना सकते हैं वो अपनाइए, क्योंकि पता है आपको नहीं पता कि आपके दुख में से ही ना कहीं एक दिन खुशी स्पार्क कर जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो मैंने 2008 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, मैं दिल्ली की ही हूँ। तो मैं जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं पढ़ाई करूँ आगे हायर स्टडीज के लिए या फिर मैं मतलब जॉब करूँ। तो क्योंकि वो रिसेशन का टाइम था तो जॉब्स थी नहीं, जिस फील्ड से मैं हूँ उसमें रिसेशन के मारे मतलब जॉब्स थे ही नहीं हमारी फील्ड में।
तो मुझे लगा कि अब मेरे पास हायर स्टडीज का ही ऑप्शन है, बट मुझे ही पता चला कि जिस कॉलेज को मैं जाना चाहती थी, मैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती थी, बट मुझे ही पता चला कि उसकी फीस 1000 रुपीज़ है फॉर्म की। 2008 में 1000 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट था, और वो भी मेरे जैसे बच्चे के लिए, बिकॉज मेरे फादर नहीं रहे थे, तो मतलब मेरी मदर ही होल सोल अर्नर थी जो भी था हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मम्मी से 1000 रुपये लेके और फिर पता नहीं वहाँ होगा कि नहीं होगा, मतलब अपने ऊपर से मुझे डाउट था। लेकिन फिर मेरी एक दिन मतलब, और फिर वहाँ जाना जहाँ मुझे इंस्टीट्यूट में जाना था कॉलेज में, क्योंकि वो टॉप मोस्ट था और वो मतलब मेरे लिए तो एक ड्रीम था वहाँ पे जाना, कि पता नहीं मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। मुझे लगता है छोड़ो 1000 रुपया खराब हो जाएगा, इससे अच्छा तो कोई नौकरी वोकरी ढूंढ लेंगे। तो मुझे एक छोटी सी 4000 रुपये की हालांकि नौकरी मिल गई थी, बट वो मुझे बाद में पता चली थी कि मुझे 4000 रुपये मिलेंगे। ये फॉर्म भरने तक मुझे नहीं पता था कि मुझे 4000 रुपये भी मिलेंगे। तो मैंने क्या किया कि अपना मन हटा दिया, बट सडनली मेरी ही क्लासमेट का मुझे कॉल आया कि किरण मेरे पास एक फॉर्म है। असल में वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते थे और आप सभी में अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहते थे तो वो जो थी, वो जो फॉर्म लेकर आई थी उसको उस फील्ड में नहीं जाना था और मुझे उस फील्ड में जाना था। तो उसने बोला कि 1000 रुपये का फॉर्म है, मैं तुम्हारे घर आके दे जाऊंगी, तुम ले लो। असल में क्या था, वो इतने दूर था इंस्टीट्यूट कि वहां जाने में ही, मतलब अगर आपको पता है रिलीज में ऑटो का किराया, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसी बस नहीं थी, और अगर बस बदल बदल के भी जाते तो 200 रुपया तो लगता, और अगर आप ऑटो से जाते तो 300-400 रुपये लग जाते, और 300-400 आने के और फिर भर के उसको जमा कराने के, तो मतलब वो बहुत ज्यादा खर्चा था। तो मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी पढ़ाई, मतलब उसका रिटर्न निकालना, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होना था। तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि मेरे पास फॉर्म है और मैं वो फॉर्म नहीं भर रही हूँ, मैं दूसरे स्ट्रीम वाला फॉर्म भर रही हूँ, तो क्या तुम ये फॉर्म ले लोगी? क्योंकि वो भी अपना नहीं चाहती थी कि उसके भी 1000 रुपीज़ खराब हो जाए। तो मुझे लगा कि वो घर आके दे रही है तो मुझे ले लेना चाहिए। मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी ने बोला हाँ ठीक है तुम भर दो, तो मैंने वो फॉर्म भर दिया। तो इस तरीके से मेरा वो फॉर्म भरा गया। फिर मुझे जब फॉर्म भरने के लिए जाना था, तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है, तो उसमें मैं उस समय थोड़ा सा जुड़ी हुई थी वहां पर। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि वो भी फॉर्म भरने के लिए, वो जमा कराने के लिए जा रहा है। तो फॉर सम रीजन मुझे बहुत लेट हो गया, मुझे उसी दिन जमा कराना था, तो वो बोला मैं करा दूंगा। मैंने बोला श्योर? उसने बोला हाँ मैं करा दूंगा। तो मतलब उस पर भरोसा करके मैंने उसे अपना फॉर्म दे दिया। उसने बोला मैं करा दूंगा, मैं डेफिनेटली करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने करा दिया, कॉल आ गया कि भाई आपका रिटर्न है, रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद इंटरव्यू, मतलब रिटर्न में मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। रिटर्न में ये हुआ कि रिजल्ट आया, और रिजल्ट मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहीं पे मैंने देखा, क्योंकि मेरे घर पे तो ऐसा सच इंटरनेट या कंप्यूटर था नहीं, तो मैंने वहाँ पे देखा। तो मुझे बस मेरे ब्रेन में था कि मेरा ये रोल नंबर है, मैंने देखा तो मैं सैड हो गई क्योंकि मेरा हुआ नहीं था। तो मुझे लगा यार शिट शिट शिट। फिर मुझे धीरे धीरे करके पता चलने लगा कि मेरे फलां दोस्त का भी हो गया, मेरे फलां दोस्त का भी। तो जब दोस्त का हो जाता है ना, तो दोस्त के होने से मतलब अपना ना होने का दुख नहीं होता है, लेकिन दोस्त का हो गया इस बात की मेरे को ज्यादा चिढ़ हो रही थी कि यार उसका हो गया, मेरा नहीं हो। तो बहुत मतलब मैं बहुत देखती रही कि आजू बाजू किसका हुआ, जिसका भी हुआ उसने मुझे अपना रोल नंबर बताया। मैंने देखा क्योंकि मेरे पास चीजें थी उस समय, इतना इंटरनेट नहीं था और हर किसी के पास ऐसा नहीं था कि घर में मोबाइल लैपटॉप हो और ये सब, कहीं जाके साइबर कैफे में जाना पड़ता था। तो सबका लगभग मैंने देखा और मेरे को पता चला उसका भी हो गया, उसका भी हो गया, मेरा नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा लक हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना थोड़ा सा मिसमैनेज रहती थी, तो मेरी किताबें कभी इधर पड़ी हैं, कभी उधर पड़ी। असल में वो दिल्ली में बड़ी ना आपाधापी वाली लाइफ चलती है, तो मेरी अक्सर, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी, वो मैंने जब रिटर्न दिया था तो मैंने बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके करा था, तो मेरी किताबें अक्सर इधर उधर फैली रहती थी। तो कम से कम मतलब जब वो रिजल्ट आ गया, उसके 4-5 दिन बाद मेरी मम्मी ने मुझे डांटा कि तुम्हारी किताबें सारा दिन पड़ी रहती हैं इधर से उधर, तुम पढ़ती हो या किताबें फैलाती हो? तो मैंने बोला कि मम्मी मैं कर दूंगी। मम्मी बोली नहीं, तुम अभी इसको कर, तो फटाफट इसको सही से लगा किताबों को। मैं कहा चलो ठीक है। तो मतलब मेरा उसी में रोल नंबर था, मैंने रोल नंबर अपने हाथ में लिया, चल इसको फाड़ देते हैं, अब इसका क्या काम है, मेरा तो हुआ नहीं है। जब मैंने उस रोल नंबर को अपनी आंखों के सामने ऐसा लिया ना, देन मुझे लगा कि ये तो रोल नंबर मैंने उस लिस्ट में देखा है। मतलब 3-4 दिन में स्यापे पा चुकी थी अच्छे तरीके से, और ये रोल नंबर तो मैंने देखा है, और तब 7:15 या 7:30 हो रखे थे,
और अंधेरा होने ही वाला था मतलब बस। तो उस समय मैं जो भी अगर घर पे होती थी और मुझे कुछ काम करना होता तो मैं साइबर कैफे जाती थी। 10 रुपए उस समय 1 घंटे के लगते। तो मैंने मम्मी से फौरन 10 रुपए मांगे कि मुझे 10 रुपए दो। मम्मी ने बोला क्यों कहाँ जा रही है तू? मैंने बोला मुझे बस जाना है। मम्मी बोली क्या? मैंने बोला 10 रुपए दो ना आप। मैं 10 रुपए उनसे लिए और मैं फौरन भागी साइबर कैफे। तो मैं जब गई तो वो भैया शटर बंद कर रहे थे अपने साइबर कैफे को। मैंने कहा नहीं 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 मुझे देखना है, मुझे मुझे कुछ देखना है। बोले बुढ़िया कल आ जाना। मैंने बोला नहीं मुझे अभी देखना है। तो वो बोले कि नहीं बेटा कल आ जाना। मैंने बोला नहीं मुझे अभी देखना है भैया, प्लीज समझो मेरी लाइफ का सवाल है। मैंने ऐसा बोला उनको। फिर मैंने जब कंप्यूटर खोला और वेबसाइट चेक करी, अपने रोल नंबर से मैच किया, कैन यू इमेजिन कि मेरे 4-5 दिन का वो स्यापा, वो डिप्रेशन, वो तनाव कि यार सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ, अब मैं पीछे रह जाऊंगी, मेरे सारे लोग हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे और मैं गधों की तरह पीछे रह जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे पर इतना गुस्सा आया था, मैंने अपने आपको इतना कोसा था। एंड जब मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था और मेरे इतने दिन का डिप्रेशन 1 सेकेंड में गायब हो गया। 1 सेकेंड मतलब सेकेंडों में, मतलब ना मेरी मम्मी मुझे बोलती थी तू सफाई कर तो मैं मतलब, और उसके 2 दिन बाद ही इंटरव्यू था, अगर मैं वो सफाई ना करती तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरा क्लियर हो गया है, मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं मेरे को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तो मतलब लाइफ में कब आपके लाइफ एक टर्न ले लेगी ना आपको भी नहीं पता होता है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, छोटी छोटी बातों से परेशान होके। अच्छा जैसे एक कोई है, मैं उनकी सीक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हुए बताना चाहूंगी कि उन्होंने भी, वो इतनी परेशान थी उनकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं पे, वो भी अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेने जा रही हैं, तो अब उनके बाल झड़ रहे हैं तो उनको थोड़ी टेंशन ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जब हम पता है किसी लाइफ में नए स्टेप में जा रहे होते हैं ना, तो वो भी बहुत सारी चीजें नए लेके आता है। अगर आपको लगता है ना, आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जो सोचते हैं ना वो ही टर्न होने लग जाता है सच्चाई में। मुझे नहीं मालूम ये कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी से तो एटलीस्ट बचने का एक ये तरीका हो सकता है। आज मैं ना बहुत कम आपसे बात करना चाहती थी और बस लास्ट में मैं आपसे, अच्छा हाँ, कल एक बंदे ने बोला कि आपकी ना ये सारी वीडियोस बेकार है क्योंकि आप इंग्लिश में नहीं बोलती हो। यार मैं क्या करूँ, मेरी इंग्लिश ही नहीं अच्छी, मैं क्या बोलूँ। अच्छा जो आज की बात है इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में बोलती हूँ ताकि उनको लास्ट में समझ में आ जाए। और मतलब जैसे आज तो कुछ नहीं बोला है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी बातों का जो भी जेस्ट होता है ना उसको इंग्लिश में अगर नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वाकई में यार लैंग्वेज बैरियर्स तो हैं ही। अब जैसे मुझे जापानीज भी नहीं आती, मुझे फ्रेंच भी नहीं आती, मुझे पंजाबी आती है, मुझे इंग्लिश टूटी फूटी आती है और मुझे हिंदी आती है, तो लैंग्वेज बैरियर्स तो होते हैं। मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे रशियन नहीं आती, तो ये तो बैरियर्स हैं। ऐसे उनको भी हिंदी नहीं आ रही है, तो ऐसे करके आप प्लीज इतना करना कि जो भी मैं बोल रही हूँ उसके कुछ जिस्ट निकाल के आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। सो अभी मैं जो है आपको एक टिप देना चाह रही हूँ जो कि रवीना ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है। रवीना ने क्या बताया पहले वो देख लेते हैं। आजकल सभी की कंप्लेन यही है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, गलत शैम्पू, पानी में केमिकल्स। बालों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आंवला से बेहतर कुछ नहीं है। आंवला इज वेरी गुड फॉर द हेयर, सो इफ यू हैव थिन और फॉलिंग हेयर, ईट अ फ्यू आंवलास एवरी डे एंड उनको आप अपने बालों के जड़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। करीब 6 आंवला बॉइल कीजिए इन अ कप ऑफ मिल्क जब तक वो सॉफ्ट मुलायम हो जाए। उसके बीज निकालिए एंड मैश अप द आंवला पल्प थरली इन द मिल्क। इस पल्प को अपने बालों के जड़ों में मसाज करें एंड लीव इट फॉर अबाउट 15 मिनट्स बिफोर वॉशिंग ऑफ विद वार्म वाटर। इसकी खूबी ये है कि आपको शैम्पू लगाने की भी आवश्यकता नहीं, बिकॉज द सारनेस इन द आंवला रिमूव्स ऑल द डर्ट फ्रॉम द हेयर, लीविंग इट क्लीन एंड सिल्की। ये सप्ते में करीब 2 बार करें और कुछ महीनों के बाद आपको अपने बालों में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। तो ये बताया था रवीना ने अपने वीडियो में। हालांकि रवीना जो है वो दूध के साथ इसे डालने के लिए बोल रही हैं। मैंने कभी भी दूध के साथ आंवले को यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एसिडिक कंटेंट लिए होता है आंवला, और अगर हम उसे आंवले के साथ मिलाएंगे तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बट
अगर आप उसे पानी के साथ भी ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे तो वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब मैं क्या करती हूँ, जब सर्दियाँ आ जाती है तो राजस्थान में बहुत ज्यादा आंवला होता है, मैं खूब सारे आंवले ले लेती हूँ और उन सारे आंवलों को, जैसे सीजन चलता रहता है ना, तो सीजन में क्या करती हूँ कि जैसे 3-4 आंवला लिया, कुकर में सीटी लगा ली, तो क्या वो फट जाता है ऐसे अच्छे तरीके से, तो उसकी गुठली आप आराम से निकाल दो और जो वो पार्ट बचा उसको अच्छे से मैश कर लो। जैसे ही आप उसको मैश कर लोगे ना, मतलब उसको इतना मिक्सी में भी पीस सकते हो, उसको एकदम पल्प बना के और फिर अपने बालों में लगाओ। जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जिसको खुजली होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है ये। तो जब आंवले का मौसम आ जाए अच्छे वाला, तो आप भी ये ट्रीटमेंट जरूर फॉलो कीजिएगा। हेल्दी हैप्पी हेयर्स के लिए आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। आपको इसको आप विटामिन सी के लिए ना, इसको इसका जो आंवले का पानी होता है उसको पी भी सकते हो। जब विंटर्स आएंगे ना, तब हम इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे और मैं कैसे आंवले का पाउडर बना के भी रखती हूँ वो भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी जब विंटर्स आ जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल तक शायद हम 7000 की फैमिली हो जाएंगे और हम लोग करेंगे सेलिब्रेट, आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगी मैं इस मौके पे। तब तक के लिए बाय बाय।